सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका स्वागत है आज के इस न्यू वीडियो में। जैसा कि आप मेरे को देख ही रहे हो, बहुत दिन बाद आप मुझसे मुलाकात कर पा रहे हो क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी। अब हम पूरा कोशिश करेंगे कि डेली वीडियो पाएंगे या हफ्ते में एक बार तो जरूर पाएंगे। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आप पहले इंट्रो देखिए, फिर उसके बाद बात करें। जैसा कि आज आपके थंबनेल देखा, आज बहुत ज़्यादा ड्रामी वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। ब्लॉग तो बहुत बना ली, अब एक दो रिएक्शन भी बना लेते हैं। तो अब जा रहे हैं हम वीडियो स्टार्ट करने। जिसका दिल कमजोर है वो वीडियो ना देखे। द रेक, एक हेयरलेस क्रिएचर जो कि आधा ह्यूमन और आधा डॉग दिखता है, जिसको इतिहास में कई लोगों ने देखा है। एक इंग्लिश मरीन मैन की डायरी का एक पेज आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। इसमें उसने एक ऐसे क्रिएचर को डिस्क्राइब किया है जो कि उसके बेडरूम में आया था, जिससे कि ये मरीन मैन पूरी तरह से टेररिज हो गया था। ये लाइंस उसके डायरी में पाया गया था साल 1691 के समय। 1880 के समय एक स्पेनिश नेविगेटर ने कुछ डिस्क्राइब किया। उसने कुछ ऐसा डिस्क्राइब किया रेक के एक इनकाउंटर को। मैंने सबसे बड़े टेरर को एक्सपीरियंस किया है। मैं जब आंखें बंद करता हूँ तब मुझे वो दिखता है। 1880 से साल 2003 में आते हैं। रेक, जो कि सिर्फ कहानियों का एक कैरेक्टर माना जाता था, उसकी ये मेरे ख्याल से ये जो जानवर देख रहे हैं ये एक दो साल पहले बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था। पास्ट में अगर आप जानते हो जानवर के बारे में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर डिस्क्रिप्शन बोल दिया कमेंट में जरूर कमेंट करें और इसके बारे में बताइए क्या इसका नाम क्या। एक स्टोरी एक औरत ने पोस्ट किया जो कि बहुत ही अनसेटलिंग थी। 4 जुलाई 2003, सू और उसका हस्बैंड बॉब दोनों एक रूम में सोए हुए थे। उसकी बेटी दूसरे रूम में सोई हुई थी। पूरी रात नॉर्मल शांत रात थी रोज की तरह, लेकिन सुबह के 4 बजे सू का नींद खुला और उसने अपने बेड पे अंधेरे में एक क्रिएचर को देखा। अंधेरे में ठीक से विजन क्लियर ना होने के चलते उनको लग रहा था कि ये कोई बड़ा डॉग क्या ऐसा कोई एनिमल विंडो से घुस गया है घर में। बट जैसे वो थोड़ा मूव किया और खड़ा हुआ तब सू पैनिक हो गई। ऐसा कोई जानवर उसने अपने लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। उसने अपने हस्बैंड को तुरंत उठाया और जैसे उसने अपने हस्बैंड को जगाया, रेक दौड़ता हुआ दूसरे कमरे में उसके बेटी के कमरे के तरफ दौड़ने लगा। नीचे वाले हॉल में वो दोनों दौड़ते हुए अपने बेटी के कमरे में गए और जैसे वो पहुंचे उन्होंने देखा वो क्रिएचर एक जगह खड़े होकर उसकी बेटी को स्टेयर कर रहा था, देख रहा था। उसके बाद उसके डैड का आई कांटेक्ट उस क्रिएचर के साथ हुआ और वो अचानक से गेट से बाहर दौड़ते हुए नीचे चला गया और घर से बाहर निकल गया। वो पूरी तरह से डरे हुए थे। क्रिएचर तो चला गया लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उसकी बेटी पे अटैक ऑलरेडी हो चुका है। उसके बॉडी से खून निकल रहा था। जितने देर में सोए और बॉब नीचे आए उतने ही देर में उसके बेटी पर अटैक हो चुका था। उसकी बेटी होपलेस नजर से अपने पेरेंट्स की आंखों में देखी और कहा, मम्मा मम्मा वो रेक है, ही इज द रेक। बेटी को कार में लेके वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही अननोन रीजन के चलते डैड ने कार पे से कंट्रोल खो दिया और वो एक तालाब के अंदर जा डूबा। बाप और बेटी दोनों तालाब में डूब गए बट किसी तरह से उसकी माँ बच गई और तालाब से बाहर आ गई। उसके बाद सू को ये यकीन हो गया कि ये कार का डूबना और ये बैड लक रेक ने ही लाया है और उसने ये डिसाइड किया कि वो नहीं रुकेगी जब तक ये पता ना चल जाए कि आखिर कौन था उस रात को वहाँ पे। उसके बाद वो इंटरनेट पे और भी सर्चेस की और उसे ये पता चला कि सिर्फ उसी के साथ नहीं बल्कि बहुत लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसमें डॉग जैसा बड़ा क्रिएचर जो कि हेयरलेस होता है वो घर के अंदर एंटर करता है। उसके बाद उसको न जाने अपने मन में एक थॉट आ रहा था कि वो रेक एक न एक दिन उसके बेडरूम में वापस जरूर आएगा। वो रात को सोने के पहले टेप रिकॉर्डर लगा के सोना शुरू कर दी। महीनों तक कुछ भी नहीं हुआ बट एक रात की टेप रिकॉर्डिंग में उसको वही आवाज सुनाई दी जो कि बहुत फेमिलियर था
और ये उसी हॉरिफिक रात की आवाज थी जो वो उस हॉरिफिक रात में सुनी थी जिस रात उसने अपने पति और बेटी को खोया था। इसका मतलब वो रेक और एक बार बेडरूम में आया था। सो ने रेक को उस रात देखा तो नहीं, लेकिन ऑडियो सुन के यही प्रतीत हो रहा था। उसके बाद से रेक फिर कभी नहीं दिखा, लेकिन वो अपने फैमिली के बर्बाद होने का कारण आज भी रेक को मानती है और आज भी उसके मन में यही दौड़ता है कि कभी रात के बीच में वो अपना आँख खोलेगी और उसे रेक दिखेगा। वो अपने एक्सपीरियंस को इंटरनेट पे शेयर की और बाकी लोगों से यही रिक्वेस्ट की कि अपने घर के खिड़की और दरवाजे हमेशा सोने के पहले वन टाइम चेक जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो किसी के घर के अंदर ये रेक अगर एंटर कर गया तो वो अपने फैमिली को खो देगा। सू का यही मानना है, जितना नुकसान ये क्रीचर उनके फैमिली को किया है उतना ही नुकसान ये आपकी फैमिली को भी कर सकता है। सू का यही मानना है। दुनिया भर में जितने लोग रेक के बारे में स्टोरी शेयर किए हैं उसमें से ज्यादातर लोगों की कहानी भरी हुई है हॉरिफिक इमोशन से। ज्यादातर लोगों ने ये डिस्क्राइब किया है कि एक ह्यूमन लाइक क्रिएचर जिसके धारदार दांत होते हैं, जिसके हेयरलेस मसल से भरा बॉडी होता है, जो कि जानवरों जैसा आवाज निकालता है, जिसके बॉडी का शेप बहुत ही अजीब तरीके से डिस्टॉर्टेड होता है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि जिनके घर में ये आया है वो ज्यादातर ये नोटिस किए हैं कि जैसे इंसान नींद में चला जाता है वैसे ये क्रिएचर बेड पे बैठकर अपने टारगेट को स्टेयर करता है, और जैसे ही इंसान जग जाता है वो वैसे ही भाग जाता है। ये अपना बिहेवियर ऐसा क्यों रखा है, इसी घूरने और भागने वाले पैटर्न, और ये आता कहाँ से है, इन सवालों का जवाब किसी के पास भी नहीं है। बहुत लोगों का ये मानना है कि ये जंगल में छुपा रहता है, और बहुत लोगों का ये मानना है कि इनकी पूरी सिविलाइजेशन है जो कि कहीं सीक्रेटली एग्जिस्ट कर रही है। बिगफुट, येटी, मॉथमैन, रेक, ये सब ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनकी साइटिंग्स तो होती रहती है बट किसी को नहीं पता कि ये क्रिएचर इंसानों से छुपकर क्यों रहते हैं और रेयरली ही इनकी साइटिंग्स क्यों पाई जाती है। क्या इनकी भी अपनी दुनिया है, एक छिपी हुई दुनिया? अपने भारत के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मौजूद नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। यहाँ आज भी इंसानों की ऐसी सभ्यता रहती है जो कि मॉडर्न एज और टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अनजान है। ये अपने ही प्रिमिटिव वर्ल्ड में रहते हैं और इसलिए यहाँ जाना प्रोहिबिटेड है, और इन लोगों से कॉन्टैक्ट करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि इनके अंदर वायोलेंस और एग्रेशन है, और टेक्नोलॉजी के एरा से कट के प्रिमिटिव एरा के आगे इन्होंने कभी भी देखा ही नहीं है। बिल्कुल वैसी क्या इन जैसे क्रिएचर्स का अपना ही हिडन वर्ल्ड है? ऐसा कोई वर्ल्ड लिटरली खोजा तो नहीं गया है बट थ्योरीज तो यही कहती है, बट इसका डेफिनेट आंसर आज भी किसी को नहीं पता। इस दुनिया में ऐसी कई फैमिलीज भी हैं जिसको रेक सीक्रेटली स्टॉक करता है, ऑब्जर्व करते रहता है, एंड कई लोगों का ये मानना है कि इसके पावर्स की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा स्पीड वाली पावर है। कहा जाता है कि ये 1 से 100 मीटर का डिस्टेंस जस्ट 1 सेकंड में पार कर सकता है जब ये अपने हाईएस्ट स्पीड पे होता है तो। और दूसरी पावर इसकी जो मानी जाती है वो है इमोर्टैलिटी। कहा जाता है कि ये रेक इमोर्टल है। अगर ये एक सिविलाइजेशन है, एक सीक्रेट सिविलाइजेशन, तब इसके जितने भी क्रिएचर्स हैं ये इमोर्टल है। इसके आप घटनाओं के बारे में रिसर्च करोगे तो आपको 2006, 2003, 1964 की भी घटना मिल जाएगी। कुछ तो ऐसी भी अनकन्फर्म्ड घटनाएं हैं जिसमें ये कहा जाता है कि 1964 में एक इंसान ने इसको देखने के बाद आत्महत्या कर लिया था। उसने ऐसा टेरर एक्सपीरियंस किया था इसको देखने के बाद कि वो कह रहा था कि वो इस दुनिया में और एक भी दिन नहीं रह सकता। और रेक से जुड़े अनगिनत कहानियां आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। जो लोग इसके बारे में और जानना चाहते हैं वो नीचे कमेंट कर दो और मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बना दूंगा। ऐसी और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।